हेलो गाइस, आई एम टेक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इमरान। गाइस, क्या आपको बताएं सैमसंग का मतलब क्या होता है? ये जो सैमसंग वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? शायद बहुत लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो में सैमसंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड बटन है, इसी रेड बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो सैमसंग वर्ड है, ये बेसिकली सैमसंग कोरिया का एक कंपनी है। सैमसंग मीन्स होता है 3 स्टार, यानी अगर 3 स्टार को हम कन्वर्ट करेंगे साउथ कोरियन वर्ड में तो इसका मीन्स होगा सैमसंग। तो सैमसंग का मीन्स होता है 3 स्टार। अगर बात करें इस कंपनी का फाउंड को लेके, जब फाउंडेड हुआ था तो ली बायंग ने इस कंपनी की शुरुआत की थी 1938 में। और जब कंपनी शुरुआती दिनों में क्या बिजनेस शुरू किया था आपको नहीं पता शायद। जब सैमसंग शुरू हुआ था, ली बायंग ने ये कंपनी की शुरुआत की थी, तब सूखी हुई मछली, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस करती थी, यानी 1938 में। धीरे धीरे कंपनी आगे चला गया। उसके बाद 1960s में इलेक्ट्रॉनिक में उन लोगों ने कदम रखा। 1970 में पहली बार सैमसंग ने एक टीवी लॉन्च किया है। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों का टेक्नोलॉजी एंड आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया। 1990s के बाद शुरू किया था मोबाइल कंपनी, जो पहले पहले फेल हो गए थे। बहुत सारे मॉडल्स निकाले थे कंपनी ने, फेल हो गए। तो धीरे धीरे उन लोगों ने उसी पे मेहनत किया और आज देखिए कंपनी दुनिया के मोबाइल कंपनी में दूसरा कंपनी है। एप्पल के बाद अगर कोई भी ब्रांड जाना जाता है तो सैमसंग को ही जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सैमसंग के बारे में ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो मैं लाता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा।